रूबर कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं हरियाणा के सूरजकुंड के गुर्जर महोत्सव में, जहां पर एक विशाल मेला लगा हुआ है। दूर दूर से लोग इस मेले में शामिल होने आए हैं। क्या नाम है आपका? राखी। कहां से आए राखी जी? लखनावली। कहां से? लखनावली सूरजपुर। लखनावली सूरजपुर से। क्या कैसा लग रहा है इस मेले में? बहुत अच्छा। क्या देखने को मिला? नई नई संस्कृति, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी जो हमें ऐसे मिले हमें मैम। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नीलम डेडे जी। नीलम डेडा जी। इंस्टाग्राम पे हूँ मैं। अच्छा। और मुझे पब्लिक से और गुजर भाइयों से और सबसे बहुत प्यार मिल रहा है। क्या करते हैं आप इंस्टाग्राम पे? मैं इंस्टाग्राम पे अपना गुजर कल्चर दिखाती हूँ, अपने गांव का कल्चर। अच्छा अच्छा। कि कैसा रहना चाहिए, कैसा प्यार करना चाहिए परिवार है और बहुओं को, माँ को, सासू को, और खाने का जैसे मक्का की रोटी, सरसों का साग और दही चाय दूध, हाँ ये सब चीज़ दिखाती हूँ मैं। और आज मुझे उसी माध्यम से मुझे बहुत प्यार मिला है और बहुत लाइक और फॉलो और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है और प्यार इतना मिल रहा है कि मुझे तीन घंटे में मुझे यहाँ से स्टेज तक टाइम लगता बढ़ने में। और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिला देखने के लिए। आप बताऊँ, अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी कल्चर है, वो मिली है मुझे देखने के लिए। और ये कल्चर हमारा आधा डाउन हो गया था, फिर विदेशों में चलता है ये कल्चर हमारा, और यहाँ पे हमारा छूट गया था। पर अब दो साल से जब से ये मेला लगा है, हमारे उसमें बहुत बदलाव आया है, हमारे कपड़े में भी और पहनने में भी और गुजर कल्चर में तो बहुत ही ज़्यादा आया है, हद से ज़्यादा। और हम खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे भाइयों का जो इसमें सब शामिल होते हैं। और आज मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई हैं, सब अपना कल्चर याद रखो और अपने रीति रिवाज याद रखो, और सब बहन ओढ़ना जरूर ओढ़ना, एक हफ्ते में एक बार जरूर ओढ़ना, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है, उसमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश। अपनी जो संस्कृति है उसे बरकरार रखना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे जो भी कल्चर है उसे भूल ना जाए। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS।